अच्छा भाई निकलते हैं अगर ये आगे न करें। अच्छा ये देखें ये माशाल्लाह जी ये क्यूट ये अभी ये कुछ दिन का मेरे कुछ दिन का ये बेबी है जी। ये एक वीक का बेबी है तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ अपनी हवेली में और आपको विज़िट करवाएंगे। इसमें हमने लगाई हुई हैं सब्ज़ियाँ, पूरे साल की सब्ज़ियाँ हमारी यहाँ से ही निकलती हैं। कुछ फलदार हमने दरख्त लगाए हुए हैं और इसके अलावा हरगोश को स्पेशली देखने यूसुफ साहब आए हैं। यूसुफ हरगोश देखने हैं जी जी, तो यूसुफ अभी हरगोश भी देखेगा, अभी आपको विज़िट करवाते हैं। तो चलें अभी विज़िट करवाते हैं आप जी। तो व्यूअर्स ये है जी हमारी हवेली। सब्ज़ियाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है जी, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। छोटे से कद का ये दरख्त है अनार का, और अनार देखें कितने लगे हुए हैं, बड़े प्यारे लगेंगे। ये कद्दू लगा हुआ जी यहाँ पे, कद्दू नहीं दिखाया आपने, चलें वापसी पे चेक करवाते हैं अभी। अच्छा जी, अभी इसके बाद आपको दिखाते हैं हमारे पास क्या लगा हुआ है जी। चिलीस ये हैं जी, चिलीस लगी हुई, ठीक है। मिर्चें ये जनाब रेड कलर की, ये ग्रीन कलर की काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। अभी यह कि लाइट का भी मसला तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। और ये इसके अलावा जनाब ये हाँ कॉर्न लगे हुए हैं जी, जिसको हम हरफे आम में क्या कहते हैं जी, छलियाँ कहते हैं जी, हाँ जी पंजाबी में ये लगी हुई हैं जी। मकई, मकई उर्दू में मकई, हाँ उर्दू में मकई कहते हैं जी इसको। अच्छा जी ये इसके अलावा और क्या जी लगी हुई है ना, ब्लू कलर। अच्छा जी वो जी शिमला लगी हुई है ये सामने, ये हमारी शिमला, ये लगी शिमला तो ग्रीन कलर की होती है, ये रेड कलर की कुछ और चाहिए जो है। अच्छा ये है आई थिंक शिमला ही है, शिमला है शिमला, लेकिन रेड कलर की शिमला। यहाँ पे ना ग्रीन कलर की भी लगी हुई थी, वो भी हम व्यूवर्स को दिखाते हैं। अच्छा जी ये शिमला लगी हुई है, ये मोतिया लगा हुआ है जी। अच्छा जी ठीक है जी, ये जो लगा हुआ है कुछ फल लगा हुआ है, ये कुछ पता नहीं कौन सा फल है, ये मुझे लगता है शायद ये बैंगन है। सर ये लगी हुई है उसको क्या कहते हैं, शिमला मिर्च लगी हुई है। ये जब बड़ी होगी ना तो फिर ये है कि अच्छा ये सारे कौन लगे वो लगे हुए हैं, मकई साहब ये इसको ये सारा ये जी लेमन लगा हुआ है, चाइना लेमन, चाइना लेमन है। मतलब छोटे कद में अगर आप इसको गमले में भी लगाएं ना तो फिर भी ये फल देगा। अनार वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, पपीता लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो दूसरे हैं अच्छा ये पॉपुलर वगैरह सारे लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है जी हमारा, ये पकड़े जी कैमरा, वो है जी रैबिट्स। अभी यानी आपने रैबिट फार्मिंग भी की है, रैबिट फार्मिंग भी की है। अच्छा इसका सबसे जो ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है ना जी, दो चीज़ें ये देख सकते हैं आप, आगे हमने इसको करना है आगे सिम साहब के। चलिए ये अगर आप देखें बहुत ज़बरदस्त, अभी मैं ना थोड़ा सा ना एक छोटा सा बाहर नहीं निकलते रैबिट्स को, बाहर ही निकलते। अच्छा बाहर निकलते हैं अगर ये आगे न करें। अच्छा ये देखें ये माशाल्लाह जी ये क्यूट, ये अभी ये कुछ दिन का मेरे कुछ दिन का ये बेबी है जी, ये एक वीक का, एक वीक का होगा, ये का बेबी है तकरीबन। ये सर हमने जो लिए थे ना, ये तीन रैबिट लिए थे आज से 6 माह पहले, तो हमने तो क्योंकि प्रोफेशनली इसको नहीं किया, लेकिन फिर भी ना ही हमें इतना अभी अंदाज़ा है था ये कैसे पलते हैं या कैसे इसकी जो है इनको इनकी निगहदाश्त की जाती है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये 25 हैं, ठीक है सही है। और मैं वही कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर आपके पास इतना छोटा सा अगर कमरा है और आप अगर रैपिड फार्मिंग अपने घर के अंदर करते हैं, तीन लेकर आएँ, 6 माह में अगर 30 भी हो जाते हैं, 500 का भी अगर आप एक सेल करें। और एक चीज़ जहन में रखिएगा, जो बेबी रैपिड होता है वो महंगा सेल होता है, वो आप इंटरनेट पे लगा के सेल कर सकते हैं, वो आप 1000 तक भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो शौकीन लोग होते हैं बिल्कुल। और ये तो नॉर्मल देसी नस्ल के हैं, अच्छी अच्छी नस्ल के भी रैबिट्स आते हैं, लेकिन शॉर्ट ये है कि हर चीज़ खा लेते हैं। ये देखिए हमारे जो फ्रूट एक्स्ट्रा बचा होता है, ठीक है, उसके अलावा बाकी भी, यानी कि इनकी कुछ स्पेसिफिक जो है ना, तेज़ नहीं होना इनकी जो है स्पेसिफिक जो है ना वो नहीं होती कोई खुराक, तो ये अभी सारे चले गए अंदर घर के अंदर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, बिल में घुस गए, घुस गए। लेकिन शॉर्ट ये है कि बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जी अगर इसको किया जाए बिल्कुल।
और अगर हाउसवाइफ भी अगर आराम से करना चाहें उसको तो वो भी कर सकती है, अपने 15-20 हज़ार आराम से वो इनकम जनरेट कर सकती है, प्लस खूबसूरती है, शो का वैसे भी कोई मिल नहीं होता। थोड़ा बेबीज को ये भी आप बता दें कि ये जो है साल में जो है ना ये तकरीबन यानी ये 5 से 6 मरतबा ये बच्चे देती है, बच्चे देती है, ठीक है। तो और बच्चे भी माशाल्लाह काफी क्वांटिटी में देती है, क्वांटिटी में बच्चे देती है, तो ये इनकी जो है मतलब है बहुत जल्दी से जो बढ़ते हैं ये, तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना ये एक चले। लेकिन इंशार्ट ये है कि व्यूअर्स ये आपको सिर्फ आज विजिट करवाना था, अपनी हवेली का मकसद था कि थोड़ा ये इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज लाजमी होनी चाहिए। ये इसको कहते हैं, ये तोरियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, हाँ ये लगी हुई हैं, ये दरख्त हैं, बाकी सफेदा वगैरह जिसको कहते हैं लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।